नेगेटिव फेलियर्स ओके, किस किस को लगता है कि मैं काम करूंगा और काम करने से पहले ही सोचता है कि हमसे ना हो पाएगा? ऐसे बहुत सारे बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं बट वो अपने मन में पहले बना के बैठे हैं कि हमसे ना हो पाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कई बार ये होता है कि हम लोग शर्मा जी और गुप्ता जी के बच्चे को देख के ऐसा सोचते हैं कि इतने घंटे पढ़ाई करता है वो, माय गॉड मैं तो इतना पढ़ता हूँ मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, किसी को देख के अंदाजा मत लगाओ कि वो पढ़ रहा है तो वो क्वालिटी स्टडी कर रहा होगा। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो दो घंटे ही पढ़ते हैं लेकिन उनसे ज्यादा अच्छी रैंक लेके आते हैं, उनसे ज्यादा अच्छे मार्क्स बना लेते हैं। बिल्कुल। सो गाइस, काम करने से पहले जो सोचते हैं ना कि ये नेगेटिव फेलियर्स है, दैट इज अ वर्स्ट थिंग यू कैन डू, राइट? एक बार एग्जाम में देखा है, घर में ऐसा होता है कि ऐसे हम लोग बैठे हुए हैं, जैसे तुम नजर उठाते हो सामने वाला तो एग्जाम में लिख रहा होता है, बहुत ज्यादा लिख रहा होता है, जबकि गलत लिख रहा हो किसी को नहीं पता, बट ओ वो इतना कैसे लिख रहा है। कई ऐसे होते हैं किसी ने तो एक पेज नहीं भरा होता है, वो एक कॉपी मांग लेता है, मैडम एक कॉपी दे दो। तो हम लोग थोड़ा नेगेटिव थॉट में आ जाते हैं, अरे यार हम क्या कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। तो उनको देख के अंदाजा मत लगाओ कि पता नहीं उसको कितना आता है, ये गलत थॉट है। अपने आप पे भरोसा रखो और ये नेगेटिव फेलियर्स, अगर आपके नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आते हैं कि मुझसे होगा कि नहीं होगा, तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं। एटीट्यूड दो तरह के होते हैं, बहुत बार बोलता हूं। एक एटीट्यूड इस तरह का होता है कि ये चीज तो मुझसे ना हो पाएगी, लेकिन दूसरा ऐसा एटीट्यूड होता है, लाइन बहुत सिंपल है, बोलने का नजरिया अलग है, ये तो मुझसे ना हो पाएगा, और ऐसी क्या चीज है जो मुझसे ना हो पाएगी, एटीट्यूड का फर्क है।